हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सांभर, एक यूनिक स्टाइल में और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए चलते हैं उसके लिए अपनी किचन में। तो यहाँ मैंने तूर दाल लिया है, थोड़ा सा नारियल, थोड़ी चना दाल, साबुत धनिया, थोड़ी लाल सूखी लाल मिर्चें और इमली का पानी, थोड़े ड्राई मसाले, इसमें ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, उड़द दाल, मेथी और राई और कुछ सब्जियां ली हैं। चलिए देखते हैं। प्याज, कद्दू, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और बीन्स, और उसमें हमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता चाहिए, थोड़ी सी हींग भी चाहिए जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को अच्छे से धो करके भिगो देते हैं कुछ देर के लिए। 3-4 बार पानी में से निकाल कर इसको हम भिगो देंगे। अब हम बनाते हैं अपना सांभर मसाला। तो उसके लिए एक पैन में थोड़ा घी गरम किया है, उसमें ज़ीरा डाला है और अब उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च, मेथी और उड़द की दाल, अब थोड़ी चना दाल, साबुत धनिया और लाल मिर्चों को तोड़कर डाल देंगे। हमें बिल्कुल स्लो आंच पर ही इनको रोस्ट करना है, बिल्कुल लगातार चलाते रहना है, हमें इन्हें जलाना नहीं है, हल्का सा भूनना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नारियल ऐड कर देंगे। इसमें मैंने फ्रेश नारियल लिया है, कद्दूकस किया हुआ नारियल। के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं भूलेंगे और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड किया है, सिर्फ 10-20 सेकेंड के लिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे और बस बंद करेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए कितना फाइन पेस्ट बनकर तैयार है, ये हमारा सांभर मसाला बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम बाकी काम कर लेते हैं। एक कुकर में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, उसमें हम ये अपनी सारी सब्जियां जो है हमने चॉप कर ली हैं। आप अगर आपके पास सांभर अनियन हो तो आप वो ले लीजिएगा, मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले अनियन डालेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। एक एक सब्ज़ी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको हल्का हल्का सा भूनते जाएंगे, लाइक 30-40 सेकेंड। अब बीन्स, उसको भी हल्का सा भून लिया। फिर ऐड करते हैं पम्पकिन, अगर आपके पास ड्रमस्टिक है तो बिल्कुल डालिएगा, उसका एक अपना ही फ्लेवर आता है। गाजर, अब इसको भी भून लेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है हमें इन्हें। और फिर कैप्सिकम भी डाल दिया, इसको भी भून लेंगे। बस 2-3 मिनट ही भूनना है और एकदम तेज आंच पर भूनना है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब अगर आप भूनकर सब्जियां डालते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा कलर देने के लिए, और थोड़ा नमक। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना सांभर का मसाला जो हमने फ्रेश बनाया है। इसको सारा हम ऐड कर देंगे इसमें। मिक्सी जार को भी हम थोड़ा सा धोकर इसमें ऐड करेंगे। तो जो भी हमारा मसाला मिक्सी में चिपक गया है उसको भी इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा
बॉईल कर लेंगे। अब हम अपनी दाल को उबाल लेते हैं। तो एक कुकर में मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर दाल को बॉईल कर लिया है। तो अब हमारा ये सब्ज़ी भी हल्की पक गई है, बिल्कुल गलाना नहीं है सब्ज़ी को, तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही सीटी दी है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी तूर दाल, इसको अरहर भी बोलते हैं। तो दोनों को ऐड करके थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा बॉयल आने देंगे इसमें। अगर आप ऐसे सांभर बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत इजी रेसिपी भी है, बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगा, जो होटल में खाते हो आप उससे भी अच्छा बनेगा। अब मैंने इसमें इमली का पल्प यूज़ किया है, ये मेरा थोड़ा पतला है इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डाल रही हूँ। आप गाढ़ा पेस्ट डालिएगा तो 2 चम्मच इनफ है, थोड़ा सा गुड़ लगभग 1 टीस्पून। तो इसको उबाल आने देंगे और ये जो झाग से बन गए हम इसको निकाल देंगे ताकि हमारे सांभर में अच्छा सा कलर आए। सारे झाग को हम रिमूव कर देंगे। आप ये सांभर इस तरह से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो ये हमारा सांभर बन गया है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसमें एक लाल मिर्च तोड़कर, थोड़ी सी हींग 1/2 टीस्पून, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता, बस हल्का सा रोस्ट किया और फिर इसमें हम अपना एक छोटा अनियन चॉप करके वो डाल देंगे। आप चाहो तो बारीक चॉप कर सकते हो, मैंने स्लाइस किया है। तो इसको हमें अच्छे से ब्राउन कलर करना है। इसको अच्छे से भूनेंगे प्याज को, आप चाहो तो ना भी डालो बट बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च कलर वाली होनी चाहिए, तेज़ तीखी वाली नहीं। तो बिल्कुल हमारा पक गया है अभी ऑनियन। अब इसमें लाल मिर्च डाला और डालते ही हम इसको अपने सांभर में ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया से सांभर हमारा बना है। अब बिल्कुल बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी बनती है। इस तरह से सांभर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। आप इसको इडली के साथ, चावल के साथ या डोसे के साथ खा सकते हो, बिल्कुल ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।